उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बीएसपी की सदस्यता दिलाई। सपा पर प्रहार करते हुए अंबिका चौधरी ने कहा कि वह कभी मुलायम के सबसे खास माने जाते थे, लेकिन अब मैं बसपा में आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि सपा सेकुलर मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों की हिफाजत करने की बजाय परिवार के झगड़े में लगी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि मैं अखिलेश के इस फैसले से आहत हूं, क्योंकि उन्होंने नेताजी का अनादर किया है। चौधरी ने कहा कि उनका जुड़ाव 25 सालों से सपा से रहा है, लेकिन परिवार के झगड़े और मुलायम के अपमान ने उन्हें दुखी किया है। बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अंबिका चौधरी को बलिया के फेफना से टिकट भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले से ही पारिवारिक विवाद से जूझ रही थी और इस बीच अब पार्टी के वरिष्ठ नेता का बीएसपी में शामिल होना एसपी के लिए जोर का झटका माना जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।